वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं गिम्बल के बारे में, मोबाइल गिम्बल। जैसा कि आपको पता है, आजकल हर एक स्मार्टफोन में एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा आता है और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे क्रिएटिव लोग उस मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोज़, अपनी फ़ोटो शूट करने के लिए। और मोबाइल आपके साथ हमेशा रहता है, बट अगर आपके पास एक अच्छा गिम्बल हो तो आप अपनी सिनेमैटिक वीडियोज़ को बहुत ही अच्छे से शूट कर सकते हैं। और ऑलरेडी मार्केट में करीब बहुत सारी वैरायटी ऑफ द रेंज के जो है आपको गिम्बल मिल जाते हैं, बट मैंने एक रिसेंटली बहुत ही सोच और समझने के बाद एक गिम्बल परचेज़ किया जिसका नाम है मोजा मिनी MI। और ये बहुत ही बेहतरीन गिम्बल है, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं और इससे आप जो व्लॉग बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी लुक भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो ये बैग हमें मिलता है इसके साथ, बॉक्स को हटाया तो हमें एक बैग मिला। ये बैग काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल है, इसको आप कैरी कर सकते हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी स्टर्डी है, मजबूत है। अब इसको हम अनजिप करते हैं, यहाँ पे मोजा की ब्रांडिंग है। अब इसको हम खोलते हैं, निकलो। वाओ, ये हमारा, अब हम इसके पाउचेस देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये कुछ मोजा के स्टिकर्स हैं जो कि हम कहीं पे लगा सकते हैं। ये केबल मिलती है चार्जिंग की, जो है आप किसी भी चार्जर को इसमें लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज होने में करीब 3 घंटा लगता है और 8 घंटे का बैकअप है। ये फिर इसकी बुकलेट है जो कि अलग अलग लैंग्वेज में पाउच है। और ये सिर्फ इस गिम्बल में आपको एक ऐसा ट्राईपॉड मिलता है और ये ट्राईपॉड काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी भी गिम्बल में मार्केट में आपको ये नहीं मिलेगा। देखिए काफ़ी कितना स्टर्डी है। और ये रहा हमारा गिम्बल, हम इसको अनजिप करते हैं। ये देखिए, ये हमारा निकल गया मोजा मिनी MI का। और ये हमें हमारा निकल गया मोजा मिनी MI का गिम्बल। अब चलिए इसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गिम्बल हमने निकाल लिया। अब इसमें एक नया फीचर आया हुआ है, यहाँ पे ये लॉक होता है, इधर पे लॉक बना है, इसमें अनलॉक बना हो, तो इसको आप जो है ऐसे करके अपनी तरफ खींचेंगे तो ये लॉक से हट जाएगा। तो चलिए पहले हम इस ट्राईपॉड को निकालते हैं और इसको हम इसमें सेट करते हैं फटाफट। ये हमने इसको सेट कर लिया, ओके, ये ऐसे स्टेबलाइज्ड हो गया। अब हम इसमें एक ऐप होता है जो हमें डाउनलोड करना होता है, मोजा जिनी करके एक ऐप होता है, ये मोजा जिनी करके ऐप है, इसको आप खोलेंगे और इसमें ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो हो जाएगा। अब हमको इसको सेट करना है तो बहुत ही इजी तरीका है, इसको हमने इस पर ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। अभी इसको देखिए बैलेंसिंग नहीं हो रही है इसकी, देखें बैलेंसिंग नहीं हो रही है। बैलेंस में लाने के लिए हमें ये जो है फ़ोन को, और यहाँ पे एक चेस्ट है, इसको आप ऐसे खोलेंगे तो यहाँ से ये निकलता है, देख रहे हैं ये तो इस हिसाब से उसको डिपेंड करता है। अभी मोबाइल अगर आपके पास आईफोन है छोटा है, आईफोन का वेट कम है, ओप्पो है, भारी मोबाइल्स हैं, तो उनको आपको यहाँ से देखिए मैंने ऐसे किया तो गिर रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको कम करूँगा ऐसे, तो देखिए कैसे ये सेट होगा। जैसे ही हो गया तो फिर आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, ठीक है। अभी आपका हो गया। अभी यहाँ पे एक बटन है इस जगह पे, देख सकते हैं आप, हाँ बटन है, आप इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। देखें यहाँ पे इस साइड पे बटन है, ये आ गया आपका शूटिंग मोड पर। फिर इसमें आप जो है देख सकते हैं, इसमें एक मोड्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट आप पूरा कर सकते हैं। फिर इससे बहुत सारे फंक्शंस है, फ़ोटो क्लिक है आप कर सकते हैं। फिर इसमें जो आपका मोबाइल मोजा जीनी करके ऐप है, आप उसको खोल के आप उसको देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, और उससे इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। फॉलो मोड है, पैंस मोड है, बहुत सारे मोड हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ये देखिए आपको कैसे फॉलो कर रहा है, ये फॉलो मोड मैंने लगा रखा है। तो ये बहुत ही
नेसेसरी चीज़ है, यह आदमी के पास होनी होनी चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि सब लोग मोबाइल पे कुछ ना कुछ वीडियो बनाते ही बनाते रहते हैं। आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई व्लॉग आपको शूट करना है तो आप इसे कर सकते हैं। आप कहीं पर जा रहे हैं, आपको कुछ व्लॉग शूट करना है तो आप इससे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, और लॉक मोड, पैन मोड, बहुत सारे अनगिनत शॉट्स आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए कैसे ये चल रहा है, ये देखिए। और इसका 6 to 7 hours का बैकअप है। और इसमें एक और बात है, ये 360 भी घूम जाता है। ये पूरा जो फंक्शन, जो कि आमतौर पे वीडियो जब कोई शूट करता है तो उसे बहुत ही ज़रूरी होता है, वो चाहिए चाहिए होते हैं, जैसे फॉलो मोड है या अलग अलग इसमें आपको फंक्शंस मिलेंगे। और दूसरी बात, इसमें आपको ऐप में जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि आपको हाई 1080 के हाई फ्रेम्स में मिल जाएंगे, तो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है। अगर कंपेयर करें DJI से तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो इसको ले। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने गिम्बल में अपने फ़ोन को सेट कर लिया है, अच्छी तरीके से सेट है। और ये फिर इसका आप देख सकते हैं, उसी ट्राईपॉड पे ये खड़ा है। और इसके पीछे इसमें जो है, इसके बम के पास चार्जिंग का वो जो इसको चार्ज करने का है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो है इसी ट्राईपॉड को आप जो है इधर पे भी लगा सकते हैं इस जगह पे, और भी जो है ऊपर भी लगा सकते हैं यहाँ पे टॉप पे। तो चलिए, जब हमारा सब सेट हो गया तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। और मैं हाँ नया बता रहा था आपको, जो फंक्शन हुआ है ये है वो फंक्शन। ये अभी ऐसे लॉक और पावर ऑन करते हैं, यहाँ से ये बटन दिया गया है तो देख सकते हैं आप। तो हमने, और ये ब्लूटूथ का भी बटन है तो मैंने इसको दबाया, देखिए ये, तो ये हमारी तरफ आ गया। फिर ये बैटरी की लाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं बैटरी है, और ऊपर वाला भी जो है बैटरी का साइन है। तो अगर कम होगा तो ये वाला बंद हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला चलेगा। फिर ये भी एक जब ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। फिर ये एक ट्राईपॉड है गोल सा, गियर जैसा, तो आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए आपने ऐसे किया तो इधर जाया, इधर करेंगे तो इधर जाएगा, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल सारा है। फिर ये आपका एक डायल पैड जैसा है, इसको आप जूम और जूम इन करने के लिए करते हैं। फिर ये आपका वीडियोस का है, और ये फंक्शंस है। फिर यहाँ पे क्लिक फंक्शंस है, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो फॉलो मोड, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैन मोड, फिर और इसको दबाते ही आपका ये वापस वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको ऑन करके, तो ये जो है ऐसे काम करता है। तो मोजा मिनी MI एक बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छा गिम्बल है। अगर आप कहीं व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और कहीं आपको ब्लॉग बनाना है तो ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिम्बल है। और आप अच्छा खासा एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा वीडियो जो है आप यूट्यूब के लिए आप बना सकते हैं, इनफैक्ट आप वीडियोस के लिए भी आप बना सकते हैं। तो और ये गिम्बल मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि इसके सारे फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। आप इसको 3 घंटे चार्जिंग पर लगाइए और 6 to 7 hours के आप चले जाइए। आपको ब्लॉग्स बनाने, आपको कुछ शूट करना है, तो इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ड्यूरेबिलिटी जो इसका मटेरियल है वो भी काफ़ी हैवी है, तो और मोटर वोटर सारी बहुत ही अच्छी है। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको किसी को जो है ये एक गिम्बल चाहिए, बस इसमें थोड़ा सा एक मुझे जो लगा कि थोड़ा सा ये हैवी है, मतलब है इसका वेट, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको शुरुआत में प्रॉब्लम, बट ओवरऑल आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। आपको आपका काम निकाल के दे देगा, और आपको एक अच्छा बेहतरीन वीडियो आपको बना के दे देगा इसमें। ये देखिए कैसे अच्छा काम कर रहा है।